चाकर पत्थर मंडी में भाई ये मडियाल के मेढे जो कि तोतापुरी मेंढा बोलते हैं जिसको एक हिसाब से कर्नाटक साउथ साइड के वहाँ से आते हैं, तो वहाँ पे इनके ऑनर भी मौजूद है। तो मैंने उनसे पूछा ये वीडियो बनाता हूँ मैं आपका, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसके लिए, अभी उनके उनसे डिटेल लेंगे। भाई तुम्हारा नाम क्या है? महादेव काड़े। महादेव काड़े कहाँ से आए तुम? अकलूज। ये कौन से नस्ल के मेंढे? बीजापुरी। और क्या कीमत बता रही? इसका 32,000, उसका 40,000। वजन क्या रहेगा इनका? वजन पे नहीं, ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए वो तो ये अंडू अंडू बकरा जैसा रहता वैसे ये अंडू मेंढा है। अंडू मेंढा है अंडू। तो इसके मादी भी लाए लेंगे तुमने? इसके मादी फीमेल। टोटल कितने मेंढे लेके आए? 10। और क्या भाव तक बिक जाते हैं? क्या भाव तक बिक जाते? 27-30। और कितने दांत पे रहेंगे अभी? दांत पे कितने रहेंगे? दांत अदंत है अभी तक? इतने बड़े होने के बाद दांत नहीं लगाए? दिखाओ जरा, इसके दांत दिखाओ जरा। देख सकते भाई इतना बड़ा साइज में होने, चार दांत वाले के बराबर आ गए लेकिन अभी तक के उसने दांत नहीं लगाए। दांत दिखा रहे? दिखा जा रहे हैं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई। और अगर किसी को इसकी फीमेल चाहिए मतलब मादी चाहिए, और किसी को अगर बच्चे चाहिए छोटे वाले, मिलेगा? तो मिलेगा ठीक। 16,000-17,000 का मिलेगा। क्या फीमेल या बच्चा? 2-3 महीने का। 2-3 महीने का बच्चा? हाँ। उसका साइज कितना रहेगा अंदाजे? इतना लेके गया। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नंबर बताओ। नंबर 77-44-0-63-67-67। एक बार इंग्लिश में। 77-77-4-4-0-6-6-3-6-7। बराबर है ना नंबर? ठीक है भाई, जो तुम्हारे से कॉन्टेक्ट करेगा उनको अवेलेबल करा दो। और व्हाट्सएप नंबर है? कॉलिंग का? कॉलिंग का दूसरा है। दूसरा है क्या? ठीक है, कॉलिंग का भी बता दो। 9-9-9-3-9-3-9-3। फिर से एक बार सही से बताओ। 9-3। या तो तुम मराठी में बताओ, मैं हिंदी में रिपीट, इंग्लिश में रिपीट करता हूँ। 9-6-9-3-0 9-7-0 23-63 ठीक आहे 66-66 ठीक आहे चालेल। तसा लिहितो नंबर म्हणजे व्यवस्थित कळून जाईल, चालतंय ना? आणि ट्रान्सपोर्ट होईल का? जिथं मागे उरलं तिथं देऊन टाकू? चालते, कारण की आपल्या इथं म्हणजे पुण्याच्या भागात अशी मेंढी नाही दिसत, त्या हिशोबाने म्हणजे लोक विचारतात पण नेमकं आपल्याला येणारच। चालते, त्याची मादी किती पिल्लं घालते? एक का दोन पिल्लं किती घालते ते? एकच होतं असं आहे, कारण की मेंढी तर शेळीचं मला माहिती आहे दोन हाते तीन हाते। चालते, धन्यवाद काळे साहेब। सुरेश भाई के बकरे देख रहे भाई, मेंढे काय काय आणले तुम्ही? सात बकरे, दोन मेंढे आहे, लावरी आहे का मेंढे? मेंढे मोठ्या मेंढे। किती दातावर दात किती लावले? दात नाही, आखे 4 दात लावले। काय किंमत सांगायला? काय 7 सांगितले पण काय मागे ना ते पण 7 सांगितले होय तिचे आणि इचे 10,000 रुपये। आणि कोकरे कोकरे कसे सांगितले? कोकरे 7.5 आज बाजारात लय मेंढे आलेत द्यायचे का? द्यायचे सांगितले लगा मागुले।
कितने से मांगे भाई तुमने? और वो कितने से बोल रहा? मंगनी हो गई भाई, तुम दामन घुमा रहे बोल रहे हो। वो काले साहब के बकरे ये मेंढे वहाँ रुके लेके यहाँ पे ये इस तरीके से उन्होंने 10 पीसेस लाए हुए बराबर। क्या चल शूटिंग यूट्यूब पर डाल ₹6,000 से देने के लिए तैयार है, 5.5-6 से मांग रहे, हो जाएगा इनका व्यवहार थोड़ा सा आगे पीछे खेल खेल के। और ये 7.5 से कोकरे बोल रहा लेकिन आज दाम नहीं लग रहा बोलते, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा मेंढे आ गए, बहुत ज़्यादा 72-18-05-86-70 बरं चालतं आहे। कुणी आलं वाड्यावर तर द्या त्याला माल। कुठनं आले तुम्ही? पारनेर नगरवरनं। कुरोळीला येणार? कोणत्या बाजार इकडे येणार आहे का? कुरोळीला चालतंय मग। जवळपास ज्या दुकानदाराला माल हवा असेल तर त्यांना देऊन टाका वाड्यावर, तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करून येतीनच। चालतंय शेठ। आपले व्यापारी आपले व्ह्यूवर जे आहेत जे व्हिडिओ बघतात ते दुकानदार पण बघतात, व्यापारी पण बघतात आणि पाळणारे पण बघतात। पण व्यापारी यासाठी आपण व्यापाऱ्यांच्या हिशोबाने किंवा दुकानदारांच्या हिशोबाने जास्त माल दाखवतो, कारण की त्यांना कळावं की कुठं बाजार कसं आहे, कुठं स्वस्त आहे, कुठं महाग आहे, कळलं। तर त्यासाठी तुमचा नंबर घेतला, तुमचा माल आहे, तो माल तुमचा नाही, त्यांचा आहे, त्यांचा वाडा तुमच्या सोबत आहे। चालते मेंढी कशी मागितली शेवटला? अरे बापरे, ही एवढी मोठी मेंढी 4,000 रुपयाला? अरे हे कोकरे 6,000 मागितले। चाल द्यायचं का मग 6,500-7,500? चाललंय पण ते मागितली पाहिजे ना भाई। 50-50 रुपयाला खेळायला लागलं मला वाटतं, कसं व्हायचं आहे का? कितीचं? 2,500 रुपये। कोणत्या शेळीचं पिल्लू आहे? गावरान आहे भाई। पोर्टल ऐसा है भाई, जरासा पोर्टल क्रॉस बीस हो गई शायद, डबल आई टी में बच्चे और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 दिन का ही है। मीटर कैसे? 5,500। ये पट है और ये भी पट है, दोनों भी पट फीमेल। कशी सांगितलं पाहुणे? कशी सांगितलं? पाट बोकडे वय, दोन्ही बोकडे वय। कशी मागते ते लोक? लोक कशी मागायला लागले? 6,000-5,000 नाही मागत वय। चल रहा उनका व्यवहार यहाँ पे, उसके दादा है शायद सा। ये बोकड़ कोणाच आहे? तुमचं ना? नाही विकायचं का? घेतलंय तुम्ही? कितीला? भाई संजू गायकवाड के बकरे नाही, बरोबर आहे। व्हिडिओ बनणार क्या बोल रे? ₹6,000 खर्चा गिरता एक बकरे शेयर में।
बर एक काम कर गंड मारच दाढ़ी वाले नको आप बोला एक शब्द अरे ते नॉर्मल बोला एक शब्द या जोर कैल वरती घे चला दोनशे आला कधी या दोनशे वरती घेऊन टाका चला बरं एक काम कर ठोकर वरती जा जाऊन नाही नाही नको बरं एक काम कर पोरं घे पोराकडे घेऊन साडेबाई ठोकर बिक गया भाई दो मिनट में सौदा हो गया 22,500 रुपए का बकरा ले लिया ये रहेगा 30,000 रुपये बोलने की कीमत ऊपर नीचे करके एक आया बैंट इतने कोपरे में बैठल है बैठन दे रहे कहीं उठा हुआ अरे ऐसा हो गया क्या कमरा वो तो कडून आहे ते बोकड ते 2 वर्षाच त्या बुटक्या जाते ते ये बैठा हुआ है किधर नीचे सिरोही का ही है रुपा बहुत बहुत माशाल्लाह है इसका रुपा 30,000 रुपये कीमत पकड़ के चलो ऑन एवरेज और वो दो मिनट में सौदा हो गया मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी मार्केट में तुम बकरा बेचने आते ना भाई तो सब्र रखा करो क्योंकि तुमको रहती जल्दी जल्दी बेचेंगे जल्दी घर जाएंगे तो क्या होता ना मार्केट में तुम घाटे के सौदे में बकरा बेच के चले जाते पर अभी तुमने देखे देते कि मैं जस्ट आया बकरा पीछे था मेरे भाई ने दिखाया और उसको बाहर लाए और लाते ही वो बिक गया मतलब 1.5 मिनट में सौदा हो गया नए हानि है वो एक टैलेंट होना चाहिए बकरा खरीदने और बेचने का कैसे लेना है कैसे बेचना है ठीक है ना ये संजू अन्ना की दावन के बकरे संजू अन्ना मैं उनको अन्ना बोलता हल्की अन्ना नहीं है वो महाराष्ट्रीयन है पर लुक उनका एक साउथ इंडियन हीरो या विलन की जैसा है इसके लिए अरे गधा लेंगे घोड़ा लेंगे तो हम गधा इधर से आओ मैं क्या तुम्हारे को जबरदस्ती ले जाओ कितने का मंगे 12 इसको 12 अच्छे बकर ले जाओ 5,000 हमारे कितने बकरे दे रहे अरे बहुत ने काका तुम कौन सी बात कर रहे 23,200 के दो बकरे ले रही यार भाई आए क्या नहीं आए ना भाई लेना ले जा ए पुरा ये बकरा चाचा नहीं चपटे ना क्या
5,000 रुपए की पड़ेगी करता हूँ नहीं देने के 7:30 को बकरा मंगता है क्या होना पंचवीस अहो आता कुठं सीजन चालू आहे 25-30 करायला लागले तुम्ही चार रात का बकरा आहे अच्छा बड़ी साइज आहे क्रॉस आहे तुझ्या थोडा बड़ा का आहे एक फीमेल देख रहे भाई पॉसिबली ये दावन तो नहीं रही और क्लास भी अच्छी है और ये है अपने लखन भाई लखन जादव तो लखन भाई कौन सी नस्ल की है ये राजस्थान राजस्थानी बकरी है अच्छा और अभी गाबन रही है या खाटी रही है वो खाटी है पालने के हिसाब में ठीक है ना हाँ। तो क्या प्राइस बोल रहे हो उसकी 10,000 रुपये चार दांत की फीमेल है भाई फेस देख सकते हो उसका और कास भी अच्छी है उसकी है श्यामरा पिंक स्किन रेड स्किन जो है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन रेड स्किन मैं बोल सकता लगन भाई तुम्हारा नंबर देंगे कॉन्टैक्ट नंबर भाई दो ना बोलो ना भाई 93 00 59 04 चलेगा भाई जो कोई भाई आपसे इंसेंट आपकी बकरी में जिसको लेने का रहेगा ना भाई वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा तो उसको जो रहेगा वो 10,000 रुपये बता रहे वो कम करेंगे या फिक्स प्राइस है 100-200-500 कम करेंगे भाई चले और ट्रांसपोर्ट वगैरह मतलब अगर किस पुणे के बाहर बोला आना पड़ेगा खुद को आके लेना पड़ेगा चले शुक्रिया भाई लखन भाई बोर क्रॉस की एक बिटल क्रॉस की पट्टे भाई दोनों 14,500 रुपये मंडी में भाई एक सिरोही की फीमेल देख रहे जो कि अच्छे साइज में और फ्रेम में है ये भी 31 साल सिरोही गुजरी भी बोल सकते हो तुम इसको थोड़ा व्हाइट स्पॉट है और ये अपने साथ में ये विट्टल भाई कितने दांत है बकरी इसकी क्या हाँ 14,000 रुपये कीमत मांग रहे बराबर और लोगों ने अभी तक कितने में मांगे 12,000 तुमको देनी है कितने में फिर 12,500 की अभी गाबन का खाली है गाबन है 4.5 महीने 4.5 महीने ये महीने में खाली ज़्यादा बोकड़े दोन पर अभी तक काश छोड़ दे रहे मांगता था उसने काश हो गए ना काश छोड़ रही मांगी कितने बच्चे देती है एक टाइम पे दो बच्चे तुमची अच्छा तो बकरी ये चार दांत पे बोल रहे तुम बराबर ना अब तुम्हारे पास में कभी नहीं है तुम्हारे पास में कितने बार बच्चे दी तीन बार मतलब बचपन से तुम्हारे पास ही है क्या नहीं दूसरे से लिए थे उसी बार दूध और लिया नहीं बाबा ने बाबा म्हणून राहिले ना ते दूधावर असते तर कास भरले असते की 1.5 लिटर दूध दिली ती काय सांगत 14,000 महाग आहे आपलं महाग आहे पैसे आले 11 मागून दिले नाही मी जाऊ 15 मागून विट्टल भाई नंबर बताओ भाई नंबर नहीं है तो फिर लोग कैसा कॉन्टैक्ट करेंगे भाई किधर रहते बताओ तुम्हारा लैंडमार्क बताओ जिधर लोग मतलब खरीदने में रहते
पवना नगर सड़क काम से और कंपनी वगैरह उधर आसपास कोई गैस गोडाउन गैस गोडाउन पवना नगर काम से आए भाई और दूसरे भी लाए और बकरी ये वाली बहुत अच्छी है और गाबन भी बोल रहे वो उनके पास में हो गई है दो दिन पर पवना नगर में काम क्षेत्र में जाके तुम देख सकते हो जिधर उधर नंबर तो नहीं बता रहे हो अभी देखो अभी बाहर आ गए अकरा बागते म्हणले तू नाही माहिती ज्ञान आना खात्रीशीर माणूस देतोय माणूस बघून पण शेरडा बागायचे असते शेतकरी या पैसे बोलून जा तिकडे आलो बकरी पैसे हो गए देखे साढ़े दस गुजरी नस्ल की फीमेल है भाई हो सकती गाबन या नहीं भी का सूखी भी है पीछे बैठे हुए भाई की और 15,000 रुपये मांग रहे हो घर के पाले हुए के व्यापार कर रहे घर के पाले ले गया व्यापार के तू मग ना मग 4:30 उत्तर तू मग की नाही चावरांना खम्मस की नाही काही बकरे म्हणतात कोणत्या बकरे नऊ बकरून बकरे एक ना कितता वजन बकरे कितता वजन आता बकरे बुरे आते कोणत्या बकरे ना इच्छा बकरा चापल ए बकरा इधर का चापल ना चापल ना माझ्या काय कर एवढं कसं बी चालते पण कसे आम्ही 90 दिवस आणि आम्ही 150 रुपये व्यापार करते बेटे कधी धनी आमक 87 दिया का जेवढं कसं बकरी मांगला काय रे बाबा थांब
रिपेयर करते हैं हमने सुबह जी बोलो तुम भी क्या 750 अच्छा पापा का पापा बहुत भारी हो कैसे कैसे कुश्ता करता 5 बकरी की कीमत 13 की करता है बकरी लाने के भेज तो हमको बकरी भी लेने जा आगे कम है नहीं बकरे खरीदी के वजह जोड़ ऊपर की दी बकरी आले तेरे पास के ये बकरा कितना आएगा ये बच्चे कितना है 2 3 4 भाई इधर इधर कहीं जा कौन आना 4 बच्चे जा कर की चला आटी कर के पीछे बढ़ रहा है चक्कर में डालता क्या डालो अपने बेटे अब तो हम सुनो वो कौन नमस्कार कौन सुन रहे हैं गानी में बांधा बाजा छोड़ के बांधो वापिस कैसे ले रहा मंग चल झटके पड़ बनो अरे खम्मास के क्या रखा है कौन से पेपर ये तू कौन सा लिखो है वो रंगा कैसे है वो रंगा चलो बेटे मंग दे लेना मेरे को इनके नहीं लग रही है आया दिन 12 के बीच ना जब लगे 35 की हो गया चापल है बकरे कान चापल है गुड्डू गुड्डू आ जाने का चलो ए गुड्डू बकरे कान चापल है गुड्डू सुन मांगने की थी ओ निजाम भाई डालते कहले ऊपर के कहले ऊपर जो कहले ऊपर के नहीं है हां काई का उठा अच्छा काटेगा नहीं 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 साढ़े 5,000 रुपए से मांग रहे भाई पट्टी देने वाले देने वाले लेने वाले 5,000 वो व्हाइट बकरी किधर गया अभी खिते इधर किधर हाँ उसमें जो एकदम सामने की थी क्या वो कितनी भारी थी नहीं दिख रहे कौन सा उठ के उधर क्या है बकरे की बकरी हाँ दीदी हो गए धावन खाली हो गए सब बाजार खाली होने आ गए 11 बजे इधर सब बकरी थी चल चलो ना चल हो गया तो भाइयों काफ़ी दिनों के बाद में कुछ इस तरीके से मंडी थी और थोड़ा सा माल ज़्यादा था शायद से और बाज़ार भी अच्छा हो गया 11 11:30 हो रहे और खाली भी हो गए दावन सबके फिर भी आज हिसाब में 8 किलो के बकरे को 5 5.5 का दाम लग रहा बोले तो ठीक है मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ और नेक्स्ट सैटरडे मैं कोशिश करूँगा मैंने काउंट किया है मेरे घर से कि शिरूर की बकरा मंडी शिरूर यानी कि शिरूर तालुके की नगर साइड में आने वाली घोड़ नदी की बकरा मंडी को मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीक में मैं चाकर नहीं आऊँगा नेक्स्ट वीक में मैं जाऊँगा घोड़ नदी के बाज़ार वहाँ का भी मार्केट अपडेट देखेंगे मेरे घर से 70 किलोमीटर है घेतलं का मामा हो घेतलं की शिर्डी आहे भाई हां केवढ्याला पडली बघा 7,500 बरं आहे का बरी आहे गावन वाटती हां गावन गावन बघते ते त्या सगळं आम्ही गावन ते दामल बघतो ना वाटते तर खरं बघा बरं कासात नाही कास अजून सुटलीच नाही ना पहिल्यांदा आहे 1 महिन्याचं आहे पोट बघून असं वाटतंय हां ऐका
बरी पडली पान होताना कसं काय माल दिली दहा मला माहित नाही कसं माल राहायचं हे सोडून टाकायचं.